ओवरऑल आपका एनालिसिस पेपर का कैसा था? थोड़ा सा तेज बोलेंगे लाउडली। अच्छा, फिजिक्स में किस सेक्शन से ज़्यादा वेटेज था आपका? किस सेक्शन से ज़्यादा था जी? इलेक्ट्रिक्स। ओके, पेपर का कॉन्सेप्ट बेस्ड था या कैलकुलेशन बेस्ड था आपका? दोनों ही था। ओके, क्या पेपर पैटर्न जो था पिछले साल के कंपेरेटिव में कैसा था, कंपैरिजन में? सेम ही था। ओके, आपका कौन सा अटैम्प्ट था ये? चलिए ठीक है। किसी तरह की और प्रॉब्लम आपको फेस की आपने एग्जाम्स में? पेपर कैसा था बेटा? एक मिनट, न्यूज़ वाले इंडिया का न्यूज़ वाले पेपर मॉडरेट, बस समझिए वो भी काम होता है। ठीक है, और फिजिक्स भी काम होता है, इजी काम होता है। फिजिक्स इजी था और केमिस्ट्री एंड मैथ नॉर्मल, बस मैथ मैथ का बेटा कितना तभी आता है। ओवरऑल आपका एनालिसिस एग्जाम का कैसा था? बहुत ज़्यादा टफ नहीं था क्वेश्चन, टफ वैसे तो अटेम्प्ट तो भी था बट क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट था। ओके, फिजिक्स में किस सेक्शन से आपको ज़्यादा वेटेज मिला था? फिजिक्स में यूनिट्स एंड डायमेंशन से एक क्वेश्चन था। किसे? यूनिट्स एंड डायमेंशन से एक क्वेश्चन। यूनिट्स एंड अमेजन डायमेंशन। ओके, और उसके अलावा मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट करते थे। ओके, पेपर कॉन्सेप्ट बेस्ड था या कैलकुलेशन बेस्ड था आपका? कैलकुलेशन बेस्ड। मैथ्स में कुछ क्वेश्चन में बहुत मेनली कैलकुलेशन था, फिजिक्स मॉडरेट था। कैलकुलेशन फिजिक्स मॉडरेट था। ओके, क्या आप बता सकते हैं पिछले जो पेपर है पैटर्न पिछले साल के कंपैरिजन में कैसा था? पिछले साल के कंपैरिजन में पिछले साल का मैथ्स बहुत टफ था। अच्छा, इस बार का ये सेट का था वो थोड़ा मॉडरेट लगा मैथ्स। मॉडरेट था। ओके, आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है सेकंड अटैम्प्ट है? मेरा सेकंड अटैम्प्ट। अभी कहाँ से प्रिपरेशन कर रहे हैं? प्रिपरेशन मेरा है खुद से पर्सनल। अच्छा, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू। गाड़ी लेके यहीं पे, ठीक है, 40 डिग्री आते हैं गाड़ी लेके।